Hi dear students, let's see this question that was asked in J Advanced Paper 1 2020 from the topic Electrostatics. This was a multiple choice question. So even if you don't solve this question completely, then also you might end up getting partial marks. However, this question was pretty simple, straightforward, a regular question. Hence, any good student would have solved this question completely and without taking too much of time. तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया गया है माइनस 400 रूट 3 वाई कैप. वाई कैप मतलब पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में, और दैट मींस माइनस का मतलब हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई थी. तो देयर वाज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच वाज प्रोजेक्टेड विद दिस स्पीड इन दिस रीजन एंड देयर वाज अ टारगेट दैट वाज केप्ट एट पॉइंट टी 5 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. चार्ज टू मास का रेशियो भी दिया गया था. एंड देन इट वॉज आस्क कि किस एंगल पे लॉन्च करेंगे सो दैट टारगेट हिट हो जाएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था. सो दैट वॉज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक मतलब एरिया ऑफ अनसर्टिनिटी ये हो सकता था कि ग्रेविटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है. दैट मीन्स जो एक्चुअल अर्थ की ग्रेविटी होती है उसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये थोड़ा सा कंसर्न हो सकता था एग्जाम में. बट उसके लिए अपन ये सोच सकते थे कि सिंस ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं मैंशन नहीं है और ये भी कहीं ऐसा दिया नहीं गया है कि दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, सो वी कुड हैव इजली इग्नोर्ड ग्रेविटी. ऑल्दो अगर आईआईटी एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन कर देता तो थोड़ा बेटर होता. बट एनीवे दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड नॉट सेट दैट दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, सो वी विल इग्नोर द ग्रेविटी. बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं. सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अपन बोल सकते हैं कि जो एपरेंट ग्रेविटी है या इफेक्टिव ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अपन क्यू ई बाई एम से निकाल सकते हैं, राइट. सो जी की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई एम. क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में क्यू बाई एम का वैल्यू 10^10 दिया गया था. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 400√3 इंटू 10^10 आई गेस ये दी गई है, राइट. सो दिस बिकम्स द इफेक्टिव ग्रेविटी. सो वी कैन से दिस इज 4√3 इंटू 10^12. This is the effective gravity in the negative y direction. Since the electric field is in the downward direction and the charge is positive, so we can say that gravity ka direction ye ho jayega. Matlab ye effective gravity hai, not the actual gravity. Now this becomes a simple question of kinematics. Humne ek particle ko yahan se yahan pahunchana hai. This is 5 meters given in the question. So range ki value, we know that u square sine 2 theta by g hoti hai. Right? Range ki value question mein 5 assume kar lenge. u स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 2 इंटू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10^12 हो जाएगी. सो 2 इंटू 2 इंटू √10 इंटू √10 10 हो जाएगा इंटू 10^12 साइन 2 थीटा बाई. ग्रेविटी की वैल्यू जो हमने निकाली वो आ जाएगी 4√3 इंटू 10^12, राइट. क्वाइट ईजी कैलकुलेशन. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से 5 1s are 5 2s are, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3/2. यहां से वी कैन से दैट 2 थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, विच मेक्स थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और 60 डिग्री, राइट. तो वी कैन से कि अगर हम 30 पे लॉन्च करेंगे या 60 पे लॉन्च करेंगे तो पार्टिकल पहुंच जाएगा. एंड हेंस ऑप्शन बी इज राइट, विच मेक्स ऑप्शन ए रॉन्ग. टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर अपन बात करें, सो टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन 2u sin theta by g से निकाल सकते थे. सो 2 इंटू यू की वैल्यू क्वेश्चन में थी 2 इंटू √10 इंटू लेट्स से थीटा 30 है, तो sin थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी. 2u 10^6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है u में, ठीक है. तो 2u sin थीटा by g, g की वैल्यू कितनी है 4√3 इंटू 10^12, करेक्ट. टाइम को माइक्रो सेकेंड्स में निकालना है, तो माइक्रो सेकेंड्स में निकालने के लिए व्हाट वी कैन से 10^6 से और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स लिख देते हैं, ठीक है. तो ये 10^6 10^6 एंड ये 10^12 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली वी आर गेटिंग √10/3 √10/3 और ये 2 भी अंदर जाएगा तो 12, which makes it √5/6 seconds, ठीक है.
थीटा की वैल्यू 30 ली है तो फिर रूट 5/6 आया है, तो जब थीटा की वैल्यू 60 लेंगे तो अपन हाफ की जगह √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मेक सेंस राइट। तो बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं √3 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो इफेक्टिवली मैंने हाफ की जगह √3/2 से मल्टीप्लाई किया है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 ले लेता हूँ तो जो दूसरा टाइम आएगा, मतलब इसको अगर मैं T1 बोलूँ तो जो दूसरा टाइम आएगा तो इसमें मैं √3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करेक्ट। सो दैट विल बिकम √5/6 × √3 विच इज नथिंग बट √5/2 microseconds। दिस विल ऑल्सो बी microseconds, this will also be microseconds. Hence, answer will be √5/2 microseconds, √5/6 microseconds. I hope you would have understood and enjoyed the solution. That's all. Thank you.